गोरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बने 4 साल अरसा गुजर जाने के बाद भी यहां के आमजनों को भारी दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ता है। एक ओर जिला प्रशासन के तत्वावधान में आमजन मानस के लिए लगातार जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन इसके जमीनी हकीकत देखें तो आखिर कुछ और ही है। जाति वगैरह बना है आप नहीं लोग? बना है, जाति नहीं बना है? नहीं बना है। अच्छा, निवास वगैरह? नहीं, आए नहीं, नहीं बना है। नहीं बना है। और कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं यहाँ? नहीं आते हैं भैया। और पानी वानी की समस्या भैया? बाहर से लाते हैं भैया, उसे उसे इसी मांग करते हैं बाहर नाका से। पीने के लिए भी बाहर से लाते हाँ, हैं? पीने के लिए बाहर से लाते हैं, खेत से। हाँ। और रोड वोड बना है भैया यहाँ? नहीं बना है भैया। बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे करवाते हैं भैया, बिना प्रमाण पत्र का? नहीं नहीं भाई, नहीं बना है भैया, जाति परिवार पर। तो नहीं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? कोई पढ़ने नहीं होता है तो कहाँ मांगते हैं मिसल, जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, मिसल मांगते हैं, तो हाँ। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है ना? नहीं बन पाया है। क्या नाम है दीदी आपका? गुड़िया। क्या समस्या है दीदी आपको? पानी का है। कहाँ का पानी पीते हैं आप लोग? छोड़ी से लाते हैं बाहर। अच्छा, तो हैंडपंप नहीं है आप लोगों के यहाँ? है तो नहीं चलता है। नहीं चलता है ना। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र बना है आप लोग? नहीं बना है। अच्छा, बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे करवाते हैं आप लोग? वही जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। तो बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है। अच्छा, तो बच्चे लोग कैसे पढ़ते लिखते हैं फिर? छाड़ देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं आधा पर। यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी कोई आते हैं? शिविर उविर लगा है एकाध बार? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं ना। नाम है छोटी आपका? काजल। छोटी, आपका जाति प्रमाण पत्र बना है आप लोगों का? नहीं बना। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं अपना? जाति प्रमाण मांगते हैं तो नहीं बना है। नहीं बना है तो नहीं दे पाते हैं जी। अच्छा, तो आगे का पढ़ाई आप लोग कैसे करेंगे? छाड़ देंगे। अच्छा, नहीं कर पाएंगे पढ़ाई आगे का? अच्छा, कौन सी कक्षा में है? नौवीं। कहाँ पढ़ती है? हाई स्कूल। कौन सा हाई स्कूल में? पंडरी। जाति प्रमाण पत्र को लेके बहुत सारे ग्राम पंचायतों से मामला सामने आ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी तक जो मेरे को जानकारी है कि मिसल के आधार पे जो है आदिवासी समाज का जो है जाति प्रमाण पत्र बन रहा है। अगर किसी के पास जो है 1950 से पहले का कोई दस्तावेज है उसके आधार पे भी बनता है, और ओबीसी के लिए जो है 1984 से पहले का कोई भी दस्तावेज, इस प्रकार से इसमें व्यवस्था बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों का बन रहा है, और किसी का किसी प्रकार से दस्तावेज की कमी होगा उसके कारण से शायद नहीं बन पा रहा हो। सर, एक ग्राम पंचायत पंडरी का मामला है, वहाँ के छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र को लेके काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ मामला है सर? आपके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समस्या है करके, विकास तो शिक्षा अधिकारी और सभी संकुल समन्वयकों को बैठक लेकर के जाति प्रमाण पत्र की सरलीकृत प्रक्रिया के बारे में अवगत करा दिया गया है। जिस बालक के पास 1950 के पूर्व का दस्तावेज नहीं है, ऐसे इनके लिए ग्राम सभा को